दोस्तों एक बार फिर से लाइव हूँ आपके साथ, आपका दोस्त रोहित। ये देखिए आप डेजर्ट, ऐसा डेजर्ट आपने पिक्चरों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, इस तरह का डेजर्ट। ये देखिए सफारी के लिए एक गाड़ी वहाँ जा रही है, एक गाड़ी जो है वो नीचे से निकल रही है शायद, वो उसकी टेल लाइट आपको अभी यहाँ से निकली है गाड़ियाँ। हमारी गाड़ी वो लगी है यहाँ पे जिसमें हम आए हैं, अभी हम यहाँ पे चाय वगैरह पीने लगे हैं, आग जला के यहाँ पे थोड़ा बहुत ठंड बहुत है यहाँ पे जैसलमेर में, आग जला के थोड़ा बहुत अपने आप को गर्म करेंगे और यहाँ से हम लोग सनराइज देखेंगे और देखेंगे इसका व्यू कैसा होता है। यहाँ पे काफ़ी जाने वाना माना जाता है सनराइज और सनसेट, तो हम देखेंगे कि अभी सनसेट में सनराइज में हमें क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या ऐसा सनसेट ऐसा सनराइज हमारे आस पास होता है या फिर जिसके लिए ये मशहूर है जैसलमेर, यहीं पे ऐसे सनसेट या सनराइज देखा जाता है। हम देखेंगे इस तरह के जो गैजेट्स हैं ये सिर्फ आपको हमारे साथ यहीं पे देखने को मिले। हम लोगों ने पढ़ा था छोटी क्लासेस में कि रेत के टिब्बे होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मरुस्थल, हाँ मरुस्थल, ये मरुस्थल है। तो दोस्तों ये है मरुस्थल, हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था कि मरुस्थल होता है, अब देख लिया कि मरुस्थल वाकई में ये होता है। सारे अपने अपने फोन्स के साथ इसको लाइव कैप्चर करते हुए कैमल सुस्ता रहे हैं, सो रहे हैं, अब उसके बाद हम लोग कैमल राइड भी करेंगे। हमारा जे जो है ये भी अपनी वीडियो के साथ लाइव है, हमारी जो भाभी है वो बच्चों को लेके जा रही है और आग जला के हम लोग यहाँ पे नज़ारा ले रहे हैं। छोटे छोटे व्यूज, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपको मैं थोड़े थोड़े करके इसमें दिखाता रहूँगा किस तरह से हम लोग यहाँ पर फन करने हैं। हाँ जी हेलो, मैं आपको बताता रहूँगा किस किस तरह से हम लोग यहाँ पे फन करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप भी जो है हमारे साथ जुड़ के हमारे फन को, हमारे एंटरटेनमेंट को देखेंगे और आने वाले टाइम में आप भी प्लान करें जैसलमेर के लिए, राजस्थान के लिए, जोधपुर के लिए, जयपुर के लिए। तो ये सारी चीज़ें लाइव आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाता रहूँगा। देखो हम लोग पढ़ते थे, अब गगन से वही बात चल रही थी, हम लोग पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि राजस्थान में मरुस्थल ही मरुस्थल है, तो भाई साहब हमें ये नहीं पता था मरुस्थल होते क्या है, सही बात है ना। तो अब जाके पता चला है कि ये होते हैं मरुस्थल। ये सनराइज यहाँ का सुबह है इसी को डेजर्ट पे, हम जो रेत पे मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते। हाँ हाँ हाँ, अब इनको करके भी बताओ। हाँ ये देखो मैं आपको बताता हूँ, सुना होगा आपने कि रेत को कोई भी बांध के, समय और रेत को बांध के नहीं रखा जा सकता। तो मैंने बहुत बार कोशिश कर ली है इसको मुट्ठी में रखने के लिए, लेकिन ये फिसलता ही जा रहा है। बहुत टाइटली मैंने इसको पकड़ा है लेकिन फिर भी ये खाली, ये चीजें यार ये एक्सपीरियंस करनी चाहिए हम लोग। मेरे को लगता है कि अगर हम लोगों ने ये चीजें पहले देखी होती तो फिर जाके हमने पढ़ी होती ना तो हमारे फुल नंबर आने थे, क्योंकि प्रैक्टिकली की हुई चीजें जो है, क्यों अभी प्रैक्टिकली करी हुई चीजें जो है वो ज्यादा देर तक याद रहती है। तब हम लोगों के दिमाग में था मरुस्थल होता है कुछ, आज पता चला मरुस्थल वाकई में होता क्या है। ये जो काम जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे उठे हैं ये है सनराइज, बहुत प्यारा है सनराइज। ये चीज देखने के लिए हम लोग सुबह जल्दी उठे हैं यहाँ पे 7:33। हाँ, यहाँ पे पहुंचे अभी, ये देखिए देखो सूरज आपके सामने पूरा बाहर आएगा। यार कितना प्यारा लग रहा है पापी, यार गगन दिख यार कितना मुझे लग रहा है यार। हाँ
काम पे वो क्या बात है, देखते देखते देखो कितना बाहर आ गया। अभी देखो क्लिक करिए अपने भाभी, पहले देखो नीचे से आ रहा था, अब ऐसे लग रहा है ऊपर उल्टा हो गया है ना, है ना यार, क्या चीज है यार बनाई, देखो ये है कुदरत। अब ऐसे लग रहा है कि ऊपर से आ रहा है नीचे को, है ना, तो पहले ऐसे लग रहा था जैसे नीचे से ऊपर को आ रहा है। देखो हमारे दो नन्हे मुन्ने ये ज्वालामुखी पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, इधर रेत का घर बना रहे हैं, रेत का घर बनाओ बनाओ, रेत का घर सुंदर, मैं देखता हूँ किसका सुंदर बनेगा, बनाओ बनाओ शाबाश, ये खड्डे खोद रहा है इसको अभी म्यूनसिपलिटी में लगवाना है ना, नौकरी लगवानी है इसकी म्यूनसिपलिटी में। ये देखो ये देखो ये अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हुए, एक ने काका संभाला एक ने काकी संभाली है, मैं भाभी ने अपना अपना डिपार्टमेंट संभाले दा फोन वाला भाभी से हाय, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दो, कुछ कमेंट्स दो, कमेंट्स तो ये प्लीज एक बार विजिट करो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठंड है यहाँ पे, सही में ठंड है, और बाकी पूरे राजस्थान में गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है। आपको मैंने बताया था कि हम जिस भी होटल में रुके थे तो नॉन एसी रूम हमने कहीं भी नहीं लिया, हमें हर जगह जो है एसी रूम लिया और एसी ऑन करके सोते थे। और यहाँ पे आए हैं एक माउंट आबू और एक यहाँ पे, ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे ठंड है, अभी भी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन हम लोगों को हमारे लिए जो है ये ठंड जो है इतनी ज्यादा ठंड नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं ठंडे इलाके से, हाँ ठंडे इलाके से, इस वजह से हम लोग ये वाली ठंड को जो है आराम से सहन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये ठंड बहुत ठंड है। ओ देखो कितना सुंदर व्यू है, ठीक है भाई साहब, आप अभी थोड़ी देर के बाद फिर से लाइव होऊंगा अगला नया कुछ लेके, नया एडवेंचर के साथ हम